नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स सभी का नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियोस आपके तक शेयर कर रहा हूँ। आज हमारे चैनल ने काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद बेस्ट कॉलेजेस नियर चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल प्रदेश और हमारे सटे हुए हरियाणा की बातचीत हम आज करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत ही स्ट्रगलफुल रहता है। 10+2 के बाद अगर आपने एक सही कैरियर चुन लिया तो आप समझे कि आपने फतेह कर लिया। 50% वर्क इज़ डन लीड्स टू ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। और अगर आपने 10+2 के बाद ऐसा कुछ कोर्स चुन लिया जिसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है तो आपका एक, मैं यही कहूँगा, जो एजुकेशन है वो एक डंप हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पीजी के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा और इस तरीके से आपकी जो सिलसिला है पढ़ाई का चलते चला जाएगा। तो बड़ा सोच विचार करके आप एडमिशन लें। और ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये एक तरीके से प्लान ए प्लान बी की बात करूँगा आज मैं, प्लान बी। अब जैसे एस्पिरेंट्स हैं हमारे, सपोज़ जेई मेंस वाले, अब जेई मेंस के अगर आप परसेंटाइल उठा के देखें तो हाई रैंक वाले एडवांस देंगे। एडवांस के बाद हमारे पास कुल आईआईटीज की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं आपको बताइए। तो उन तमाम बच्चों का एडमिशन जो एडवांस क्वालिफाई करेगा उनका ही आईआईटीज में होगा, और हाई रैंकिंग वाले परसेंटाइल के हिसाब से एनआईटीज मिलेंगी। उसके बाद काफ़ी बच्चे रह जाएंगे जिन्होंने जेईई मेंस तो दिया है, क्वालिफाई भी किया है, लेकिन उनका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आज 7 तारीख है, नीट का एग्ज़ाम है, नीट का भी रिज़ल्ट आएगा और यही सिचुएशन नीट के साथ भी रहेगी। जो लिमिटेड सीट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको तो एडमिशन हो जाएगा, उनको तो कोई चिंता करने की बात नहीं। जो मॉडरेट और वीक वाले बच्चे हैं, जो लास्ट वाले रह जाएंगे, तो उनका एक प्लान बी भी अपना तैयार करना पड़ेगा एडमिशन का। अब उन्हीं को सोचते हुए ये मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आप निराश मत हों। ये मैटर नहीं करता, मैं अपने सेल्फ एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा, ये मैटर नहीं करता कि आप एनआईटी में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, या किसी स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ एक आईआईटी जो है एक हायर इंस्टीट्यूट है, फिर एनआईटीज़ हैं, फिर हमारी IIITs हैं, उसके बाद स्टेट के कॉलेजेस हैं, फिर हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। फ़र्क हैं, पैकेजेस में फ़र्क है, जॉब्स ढूंढने में फ़र्क है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप सपोज़ नहीं कर पाए इस बार IIT, ड्रॉप मत करें। अच्छे परसेंटाइल है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप एडमिशन ले लें किसी भी कॉलेज के अंदर, वहाँ पर आप 4 साल फिर से मेहनत करें। आगे फिर कंपटीशन है, गेट देना पड़ेगा, इंजीनियर्स वालों की बात कर रहा हूँ जो MBBS कर रहे हैं, उनको आगे फिर PG के लिए पेपर देने होंगे, तो आगे आपकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। जॉब्स के लिए भी आपको IES के पेपर देने होंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इधर आपको मेडिकल कॉलेज में से आपने अच्छे डॉक्टर्स बनना है तो एम्स वगैरह के लिए भी आपके अपने अलग टेस्ट हैं, आर्मी में जाना चाहते हो तो अलग टेस्ट है, SSB होगा, मेडिकल होगा, तो मतलब आगे फिर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि कॉलेज मैटर नहीं कर रहा, डिग्री मैटर कर रही है, और आपकी आप कितनी लगन से वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी, सपोज़ करो एक बच्चा IIT में चला गया और एक बच्चे ने अभी सपोज़ मैं किसी भी ABCD इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, अब IIT वाला का तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी, और इधर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो और आप वहाँ पर फर्स्ट 10 में हैं तो क्या आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी? आपकी भी प्लेसमेंट होगी। सारे IITs जो है वो सारे सक्सेसफुल नहीं हो जाते, इस बात का ध्यान रखने वाली बात है। सबको पैकेज उतना ही नहीं मिलता, वो सिर्फ टॉपर्स को मिलता है। और इधर भी ऐसा ही है, जैसे प्राइवेट कॉलेज में चले गए ABCD किसी में, और आपने बहुत लगन से किया, यूनिवर्सिटी है आपकी, और आपने वहाँ पर फर्स्ट 10 में आ गया, फर्स्ट 5 में आ गए, तो आपको भी अच्छा पैकेज मिल जाएगा। उसके बराबर नहीं पहुँचेगा, एक लेवल और वो लेवल तो रहेगा, लेकिन राइस कभी भी आप कर सकते हैं। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कई बच्चों को, तो वहाँ जाके ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए निराश मत हो, प्लान बी जरूर रखें। तो आज मैंने इसीलिए काफ़ी सारी रिसर्च करी, कुछ न्यूज़पेपर्स से लिए, मैंने ट्रिब्यून के अंदर आया था, और मैं आगे उसी की सीरीज़ बनाऊंगा। तो आज हमारे इसमें थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, बेस्ट
कॉलेज नियर चंडीगढ़ एंड पंजाब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करें, वीडियो जरूर अंत तक देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये हमारी। पंजाब यूनिवर्सिटी का CU UG का पेपर हो चुका है, PU सेट UG, और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और आपको पता है कि किस किस का बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अब चंडीगढ़ के DHE के थ्रू एडमिशन होने हैं, वहाँ भी जो मेरिट जो है 90 प्लस जाती है। अब आप सपोज ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अब क्या करेंगे? आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, इधर आपको चंडीगढ़ में भी लग रहा है होप्स कम से, तो फिर आपके पास बसता है प्राइवेट कॉलेज। फिर प्राइवेट कॉलेज का चयन करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस। तो हम इसी के साथ आपको साथ अपडेट कर रहा हूँ। तो पंजाब से हमारे चंडीगढ़ से सटा हुआ है, मोहाली है, मोहाली के अंदर हमारे पास है चंडीगढ़ कॉलेज जो कि लुधियाना रोड पे है, चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे है, मोहाली के अंदर स्थित है पंजाब के अंदर। मैं कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, कहीं आप सोचेंगे रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे, ऐसा नहीं है। इसके बाद पटियाला में चले जाएँ, पटियाला के अंदर थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, BTech या BE करना चाहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ ऐसे एडमिशन नहीं होता, यहाँ पर आपको JEE मेंस प्लस 10+2 के मार्क्स जोड़कर एडमिशन होता है। आपका फुल काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर ये सोचें कि भाई बड़ी आसानी से हमें एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद है सोलन के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकना घाट के अंदर है, और तहसील ये कंडा घाट पड़ता है, सोलन के अंदर है HP। इसमें आप BSc, BTech, ऑनर्स, BBA, MCA, MSc, MTech कर सकते हैं। फिर हमारे पास सोनीपत के अंदर अभी जो हमारा एक पूरा हब बना था, एजुकेशन हब, अशोका यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है अशोका यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉलेजेस की बात करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42, इसका भी बहुत अच्छा नाम है। इसके बाद हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलेटेड है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़, प्राइवेट एडेड कॉलेज DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, MCM DAV कॉलेज फॉर वुमेन्स चंडीगढ़। फिर हमारे पास आ जाता है चितकारा कॉलेज, राजपुरा के अंदर है। पंजाब में एक और भी बहुत नामी कॉलेज है हमारे जलंधर, जब हम लुधियाना से जलंधर जाते हैं तो फगवाड़ा के अंदर है LPU यूनिवर्सिटी। और इसके बाद बहुत ही बढ़िया कैंपस है इसका। कुछ कॉलेजेस पंजाब के अंदर है हमारे, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना के अंदर, BBK DAV कॉलेज फॉर वुमेन्स अमृतसर, गवर्नमेंट रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा, महादेवी कन्या पाठशाला PG कॉलेज शिमला। कुछ नाम आपने नहीं सुने होंगे तो ये आप इसलिए आपके साथ बताई जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर आर्ट्स चंडीगढ़, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग कुरुक्षेत्रा इन हरियाणा। इसके बाद BTech और BE की हमारी या MTech के लिए जो बच्चे नहीं वहाँ पर जा पाएंगे तो उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र NIIT कुरुक्षेत्र, चितकरा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी राजपुरा, JNDU इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, NIIT हमीरपुर HP, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकना घाट सोलन, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ UIT जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिमला। तो ये एक बी प्लान के हिसाब से आपने एक और साइट लाइन रखनी है जिनके फॉर्म्स निकलते ही भर देना, कुछ 150 ओवर ही हो गई है। थापर की शायद 8 तारीख लास्ट डेट है,
तो क्योंकि मैं भी मेरा वेस्ट शेड्यूल रहता है, तो जहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँच जाए, तो पूरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी कई बार मैं चूक जाता हूँ। तो इसलिए, और काफ़ी बच्चे अब क्वारीज करें, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एडमिशन स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर भी आप बीटेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपका मेरिट बेसिस पर एडमिशन हो जाता है। बी फार्मेसी कर सकते हैं, इसके अंदर भी बच्चों का काफ़ी रुझान रहता है, लेकिन मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। और काफ़ी सारे हमारे ऑनर्स कोर्स हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है, लॉ है, तो सारी एडमिशंस का कुल मिलाकर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। अन्य वीडियोस भी आज काफ़ी बनाने की कोशिश करूँगा, और आप ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कैसी लगी वीडियो, तो लाइक का बटन तो बनता ही है, और साथ में कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।